नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन के फोकस में रहेंगे तीन स्टॉक्स, एनटीपीसी, कोल इंडिया और ओएनजीसी। तो ये तीनों ही गवर्नमेंट के स्टॉक्स है और तीनों ही स्टॉक्स में जो सबसे अच्छी बात है कि तीनों ही स्टॉक्स की डिविडेंड यील्ड बहुत हाई रहती है। इसको हम और डिटेल में एनालाइज करेंगे, साथ ही हम और इन स्टॉक्स के चार्ट के माध्यम से इनके टारगेट्स देखेंगे, इनकी लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रही है उसको एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इन स्टॉक्स की न्यूज के बारे में बात करूं तो कोल इंडिया ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए थे 5 जनवरी को और इनकी सितंबर की जो सेल्स है वो काफ़ी अच्छी बढ़ गई थी, करीब 4% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। साथ ही मोतीलाल ओसवाल ने कोल इंडिया को 193 रुपये की टारगेट प्राइस के संग बाई करने को कहा था 22 दिसंबर को, तब इसकी प्राइस जो मुझे याद आ रहा है 130 से 135 रुपये के आसपास थी। तो मोतीलाल ओसवाल जी इस स्टॉक पर स्पेशली काफ़ी बुलिश है, हम चार्ट के माध्यम से और भी देखेंगे कि ये प्राइस रीचेबल है कि नहीं है। एनटीपीसी की टारगेट प्राइस मोतीलाल ओसवाल जी ने 140 रुपए की बताई थी, अभी ये 100 रुपए के आसपास है, उस टाइम 22 दिसंबर को भी 90 से 100 के ही बीच में थी। तो उसमें भी इन्होंने इनके हिसाब से भी 40% का अपसाइड करीब बाकी है एनटीपीसी में। साथ ही दोस्तों, अगर मैं ओएनजीसी की बात करूं तो मॉर्गन स्टैनली ने इनकी प्राइस को 115 रुपये कहा था कि 84 रुपये से ये 115 रुपये तक जा सकते हैं, ये दिसंबर 11 की न्यूज़ है, तब ओएनजीसी की प्राइस 84 रुपये की थी। और आप ये देखिए कि मॉर्गन स्टैनली ने पहली बार कोई गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी को ओवरवेट कहा है, वरना वो लोग ज़्यादा भाव कभी उन्होंने कभी ज़्यादा भाव नहीं दिया है गवर्नमेंट कंपनीज को मार्च 2016 से, बट रिसेंटली वो ओएनजीसी स्टॉक्स पे काफ़ी बुलिश हुए हैं। और अगर आप देखेंगे कि पिछले 2 से 3 महीनों में हमारे जो पीएससी स्टॉक्स हैं इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, तो आगे आने वालों में भी इसी परफॉर्मेंस के कंटिन्यू रहेगी इसकी काफ़ी उम्मीदें पर्सनली मुझे दिख रही है। तो अभी के लिए काफ़ी अच्छी बाइंग हो सकती है और जैसा कि इनकी डिविडेंड यील्ड्स काफ़ी अच्छी रहती है, जैसा कि अगर मैं देखूँगा तो ये 1 दिसंबर का आर्टिकल निकला था इकोनॉमिक टाइम्स पे, तो जो हमारा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज इंडेक्स है जिसे हम सीपीएससी इंडेक्स भी कहते हैं, उसकी डिविडेंड यील्ड देखिए 6% के आसपास है। और जो इसके नेक्स्ट हाईएस्ट पेइंग इंडेक्स है डिविडेंड के मामले में वो एनर्जी है, वो 3.2% है। तो देख लीजिए कितना ही इसमें हाई डिविडेंड रहता है। तो आपके कुछ नहीं तो जो एफडी का आपका काम होता है, एफडी का काम तो ये स्टॉक्स कर देंगे। मान लीजिए आपके साल में ये ज़्यादा कुछ बढ़े भी नहीं तो भी आपको एफडी जितना रिटर्न तो मिल जाएगा, तो ये एक अच्छी बात होती है पीएसयू स्टॉक्स में। इसीलिए इनकी जो राइस होती है वो ऐसा नहीं होता है कि ये 100 रुपये के 300 रुपये हो जाएंगे, उस टाइप की राइस की हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, बट डिविडेंड यील्ड इनका अच्छा रहता है। अभी ये काफ़ी अपने अगर मैं चार्ट्स पे देखूंगा तो अभी काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, अगर इनके 3-4 साल पहले के प्राइस से मैं कंपेयर करूं तो ये अच्छी एक बाइंग हो सकती है हमारे लिए। अगर मैं दोस्तों इनका प्राइस डेटा देखूं तो एनटीपीसी का जो प्राइस डेटा है वो अभी 100 रुपये के आसपास है, 52 वीक लो से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, हाई से काफ़ी दूर है। कोल इंडिया भी अपने 52 वीक लो से ज़्यादा अच्छी रिकवरी दिखाई नहीं है, हाई से अभी बहुत काफ़ी दूर है। और ओएनजीसी ने सबसे अच्छी रिकवरी दिखाई है इन तीनों में अपने 52 वीक लो से, बट हाई से अभी ये भी थोड़ा दूर है। ये डिविडेंड परसेंटेज वाला मैंने कॉलम अभी खाली छोड़ा हुआ है क्योंकि हम इसका डिस्कशन पहले ही पिछले वाली स्लाइड में कर चुके हैं कि इन इंडेक्स का जो हमारा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का इंडेक्स का एवरेज डिविडेंड यील्ड रहता है वो 6% के आसपास रहता है। और उसके जो कुछ मेजर स्टॉक्स है वो है पावर ग्रिड, एनएचपीसी, ऑयल इंडिया, एनएमडीसी, बेल, ओएनजीसी, कोल इंडिया, एनएसई और एनटीपीसी। तो आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स को चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा ओएनजीसी को। तो दोस्तों, अगर मैं ओएनजीसी को देखूं तो ये काफी टाइम से एक चैनल में चल रहा था, वो चैनल था आपका 60 रुपये से 90 रुपये के बीच में, एक बार 90 रुपये तक गया था, फिर ये वापस आ गया था 60-65 रुपये के आसपास। फिर जैसे ही इसने इस स्टॉक को ब्रेकआउट किया, इसने यहाँ से फिर 90 से तुरंत 100 तक पहुँचा, फिर अभी मार्केट गिरी थी, फिर 90 के आसपास पहुँचा और अब फिर ये वापस 100 रुपये के आसपास पहुँच गया है। तो मेरा मानना है दोस्तों, अगर ये स्टॉक 105 रुपये का लेवल तोड़े तो आप इसे खरीद लीजिएगा,
शॉर्ट टर्म टारगेट दोस्तों हम इसमें 115 रुपए के आसपास का देख सकते हैं, और लॉन्ग टर्म टारगेट दोस्तों हम इसमें 150 रुपए के आसपास तक का टारगेट कर सकते हैं। उससे ज्यादा ऊपर का टारगेट करना अभी सही नहीं रहेगा क्योंकि मार्केट भी बहुत हाई पे है। अगर दोस्तों मैं इसका RSI देखूं तो ये RSI अपने ओवरबॉट जोन के ही आसपास जा रहा है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों आप इसे 105 रुपए के आसपास ही खरीदिएगा। इसमें जो हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वो बहुत, हम मेरा सजेशन है कि हमें छोटा ही सा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, तो हम इसको 95 रुपए तक का स्टॉप लॉस इसमें बढ़िया रहेगा। अगर दोस्तों मैं कोल इंडिया की बात करूं दोस्तों, तो ये स्टॉक्स ने भी जैसे ONGC का हमने देखा था, इस स्टॉक्स ने भी अपना एक बार ब्रेकआउट दिया था यहां से रेजिस्टेंस को तोड़ के, बट फिर भी वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाया। तो अगर ये आपको 145 रुपए के ऊपर मिले तो आप इसे तुरंत खरीद सकते हैं, और इसमें जो हम टारगेट्स देख रहे हैं वो हम इसमें 180 से 190 रुपए तक के टारगेट्स देख सकते हैं, जैसा कि मोतीलाल ओसवाल ने रिकमेंड किया था। अगर दोस्तों मैं इसमें ट्रेंड लाइन में देखूं और इसमें अगर मैं वैसे भी सपोर्ट बनाऊं, तो ये जो 130 से 135 रुपए का एरिया निकल के आ रहा है, ये इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट रीजन निकल के आ रहा है अभी के लिए। तो मेरा मानना है कि आप 133 134 रुपए के सपोर्ट के संग इसको बाई कर लीजिए, अगर ये 145 रुपए के ऊपर जाए तो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें अभी हमारे बहुत अच्छे फेवर में है, क्योंकि आप ये देखिए ये स्टॉक ऐसे तो डाउन ट्रेंड में है, बट थोड़ा ही इस रिसेंट में इसकी ग्रोथ भी अच्छी हुई है, और PSP स्टॉक्स की तरफ काफ़ी मार्केट में सेंटीमेंट भी अभी पॉजिटिव चल रहा है, तो हो सकता है ये आगे आने वाले 6 महीने में हमें 180 तक के टारगेट देखने को मिल जाए। अगर दोस्तों मैं NTPC की बात करूं, तो NTPC को आप अभी 100 रुपये की प्राइस है, आप इसी प्राइस पे खरीद सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट हम इसमें 110 रुपये का देख रहे हैं, और लॉन्ग टर्म टारगेट दोस्तों इसमें हम 125 रुपये के आसपास तक का देख रहे हैं। अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करूं दोस्तों, तो इस स्टॉक में आप ये देखिए खास बात देखने वाली ये है ज़्यादातर कि अगर ये 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जाता है तो फिर इसकी ड्रॉप काफ़ी भयंकर होती है। यहाँ पे देखिए ये नीचे गया, कितना भयंकर गिरा, फिर यहाँ पे नीचे गया था, फिर काफ़ी गिरा, और भी आप पास में यहाँ पे गया, फिर देखिए गिरा। तो ये 50 डेज, एक तो इसमें है कि 50 डेज मूविंग डेज के एवरेज के ऊपर ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता है, और गिरता है तो बम्पर गिरता है। तो इसका जो अभी सपोर्ट निकल के आ रहा है वो यहाँ पे भी देखिए, एक मैंने छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाई है रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए, वो भी 90 से 95 रुपए के बीच में आ रही है, और ये हमारा 50 डेज का मूविंग एवरेज भी 95 रुपए के आसपास पॉइंट कर रहा है। तो आप 95 रुपए के स्टॉप लॉस के संग इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं, इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा हमारे फेवर में है। तो आइए दोस्तों हमने जो अभी डिस्कशन किया है उसको हम समराइज कर ले। तो अगर दोस्तों मैं NTPC की बात करूं, तो इसमें आप इसको अभी इसी प्राइस पे खरीद सकते हैं, और 90 और 95 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जैसा कि आपके रिस्क एपेटाइट हो। शॉर्ट टर्म टारगेट हम इसमें 110 रुपए का देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट 125 रुपए का। अगर दोस्तों मैं कोल इंडिया की बात करूं, तो जब इसका ब्रेकआउट हो जाए 145 रुपए के ऊपर आप तब खरीदिएगा, और इसमें मैं कोई शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं देख रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म टारगेट ही देख रहा हूं, 180 से 190 रुपए का स्टॉप लॉस इसमें 134 रुपए। ONGC की बात करूं, तो आप इसको 105 रुपए के ऊपर खरीदिएगा ब्रेकआउट कन्फर्म होने के बाद। शॉर्ट टर्म टारगेट हम इसमें 115 का देख रहे हैं, और लॉन्ग टर्म टारगेट 150 रुपए का। साथ ही दोस्तों इसका स्टॉप लॉस 100 रुपए के आसपास का सही रहेगा। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आपके टारगेट्स बढ़ते जाते हैं, आप अपने स्टॉप लॉसेस को उसी हिसाब से ट्रेल करते चलिएगा, क्योंकि स्टॉक जैसे जैसे ऊपर जाता है वो नए नए सपोर्ट बनाता जाता है, तो आप उसी अकॉर्डिंग सपोर्ट से 8% नीचे स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करके चलते रहिएगा। साथ ही दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो स्टॉप लॉसेस जरूर लगाया करिए, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए। हमारे वीडियोज़ किसी भी तरह से ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, ये हम केवल एडुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाते हैं। आपके मन में जो भी विचार हो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम उस पर रिप्लाई करें। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।